वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं आज आपके लिए लाई हूँ जो हेयर विटामिन्स की रिव्यू। आई होप कि आप सबके लिए भी बहुत हेल्पफुल हो। तो आप देख सकते हो ओजीवा हेयर विटामिन, और इसका जो प्राइस है वो 899 रुपीज़ है, और इसका क्वान्टिटी जो है वो 60 कैप्सूल्स है। 60 कैप्सूल्स इस हिसाब से दिए गए हैं, 1 मंथ का डोज है ये। और इसके क्या फ़ायदे और नुकसान है आगे मैं वीडियो में बताऊँगी, तो पूरा अंत तक बने रहें। तो गाइस, पूरे वीडियो के अंत तक बने रहे, पूरा वीडियो देखें, तब आपको समझ में आएगा। तो गाइस, मेरे पहले बहुत सारे हेयरफॉल्स होया करते थे, मतलब मैं पागल सी हो गई थी क्योंकि मेरे हेयरफॉल्स कंट्रोल नहीं हो रहे थे। मैंने बहुत सारे हो मेरे मतलब तो गाइस, मैंने कई घरेलू नुस्खे भी ट्राई किए जिससे मेरे हेयर सिल्की हुए, लेकिन हेयरफॉल्स कंट्रोल होना बंद नहीं हुआ। तो मैंने ट्राई किया, तो गाइस मैंने ओजीवा हेयर विटामिन्स यूज़ किया, और हाँ, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मुझे, आप को भी वीडियो में बताऊंगी। और हाँ, इस ये मेरे भैया ने रिकमेंड किया था, जो कि बहुत मतलब यूज़फुल है, बहुत अच्छा है। इसके कई फ़ायदे और नुकसान भी है, जो मुझे कई ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं है इसकी। मैंने एलोवेरा जेल लगाया, ओनियन मतलब ओनियन हेयर शैम्पू, बहुत सारे शैम्पू, ओनियन हेयर ऑयल और बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगाए, फिर भी मुझे इतना रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने ओजीवा हेयर विटामिन्स ट्राई किया, तो ये गाइस बहुत अच्छा है। और हाँ, मुझे ये 1 मंथ का डोज है, तो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। देख सकते हो मेरे बेबी हेयर्स आ चुके हैं छोटे छोटे, 2 महीने। तो ये 1 मंथ का डोज है, और इसमें 60 कैप्सूल्स है जिसे आपको सुबह शाम लेना पड़ता है। तो मैं इसे लेती हूँ और मेरा ख़त्म हो चुका है, आप देख सकते हो रिजल्ट। तो गाइस, 16 कैप्सूल्स है, और वेजिटेरियंस है तो आप वेजिटेरियंस भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कुछ मतलब मिलाया नहीं गया है। तो गाइस, ये नेचुरल है, इसे आप यूज़ कर सकते हो, खा सकते हो। एंड गाइस, ये हेयरफॉल अच्छे से कंट्रोल करता है, और विथ DHA ब्लॉगर एंड ओमेगा 3 फॉर बेटर हेयर ग्रोथ एंड हेयरफॉल्स कंट्रोल। और ये वाकई में हेयरफॉल कंट्रोल करता है, मेरे तो मतलब बहुत सारे हेयरफॉल्स हो रहे थे और इसने वाकई में कंट्रोल किया, आप देख सकते हो। इसका रिजल्ट आपके सामने है, देख सकते हो आप सब। ये मेड इन इंडिया है, ये इंडिया का ब्रांड है, जो नेचुरल है, आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें 60 कैप्सूल है, 60, तो इससे दिन में मतलब दिन में और रात में खाना है। खाना खाने के बाद कभी भी आप बिना खाए हुए खाली पेट कैप्सूल्स ना खाएं। तो गाइस, आप ये कैप्सूल्स देख सकते हो, ग्रीन कलर का है, ये वेजिटेरियन है, बहुत अच्छा है, मेड इन इंडिया है, ये इंडिया का ब्रांड है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब आप यूज़ कर सकते हो। इसमें मुझे जो बात अच्छी नहीं लगी वो है इसका प्राइस, 899, मतलब 900 का खर्चा। इसे सोचना पड़ता है कि मतलब लें या ना लें। तो गाइस, अच्छा है लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा है। और गाइस, सेकेंड जो है वो है, इसे 1 मंथ पूरा खाना पड़ेगा, वरना इसका रिज़ल्ट नहीं दिखेगा आपको, और कंटिन्यू आपको डोज कम्प्लीट करना पड़ेगा, वरना आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। एंड थर्ड जो है गाइस, ये हेयरफॉल्स को कंट्रोल तो करता है, लेकिन फ्रिजी हेयर्स का कुछ हो नहीं सकता। फ्रिजी हेयर्स के लिए आपको तो घरेलू नुस्खा अप्लाई करना ही पड़ेगा, मतलब घरेलू नुस्खा करना ही पड़ेगा, इससे कोई असर नहीं पड़ता फ्रिजी हेयर्स के लिए, आप देख सकते हो। हाँ, लेकिन ये अच्छा काम करता है, हेयर ग्रोथ और मतलब हेयरफॉल्स कंट्रोल करता है। और हाँ, डेंड्रफ की आपको प्रॉब्लम्स है तो वो भी नहीं होता है, क्योंकि मेरे पहले ऐसे करने से इतने सारे डेंड्रफ निकलते थे गाइस, तो कितने सब है ही नहीं, डेंड्रफ नहीं है मेरे, ख़त्म हो चुके हैं पूरा का पूरा। और बहुत सारा अच्छा है मतलब, और हेयरफॉल कंट्रोल करता है, डेंड्रफ भी ख़त्म करता है और हेयर ग्रोथ भी करता है, तो बेस्ट है ये। एंड गाइस, मेरे हेयरफॉल्स पहले बहुत ज़्यादा हेयर छोटे थे, अब थोड़े बहुत घने भी हो चुके हैं, आप देख सकते हो। बट इसका जो फ्रिजी हेयर्स है वो तो ठीक नहीं होता है। आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो आई होप कि आप सब लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।